खबर चंदौली के डीडीयू नगर से है, जहां जालसाजों का गिरोह फिर सक्रिय हो गया है। उनके द्वारा आनंद नगर काली महल की एक बुजुर्ग महिला से तप्पेबाजी कर 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के ली गई। पीड़िता कुसुम देवी के अनुसार सब्जी मंडी में उनसे जालसाज मिला, उनका पेट छूकर खाने के लिए पैसे ना होने की बात कही, जिस पर कुसुम देवी ने उसे 100 रुपए दिए, जिसके बाद डायरी व रुमाल दिखाकर उसमें पैसा होने की बात कह जालसाज द्वारा आर्य समाज मंदिर के पीछे ले जाकर उनका इयरिंग व चैन निकाल कर चंपत हो गया। पीड़िता ने बताया कि वे घटना के समय सोचने समझने की क्षमता खो दी थी, ये संख्या वह संख्या में 2 थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कुसुम देव। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ एक बार हम मूली लेत रही और वहाँ पर आए, हमारे पैर छूले तो हम उसके 100 रुपया दे दिली। जब उस 100 रुपया ले तो हमें एक डायरी दिखा देला और एक फिर रुमाल दिखाला, फिर हमें दुर्गा जी के मंदिर के लगे ले गए, फिर चट्टी घुमा के डी टी रोड से आर्यर समाज के पीछे ले गए, वहाँ पर सामान उतरवा लेला। कितने का रहा होगा ज्वेलरी? हमारा सामान 1.5 लाख रुपया का रहा है। तो आप उतार के उसको दे दी अपने से या वो सब उतारने कहे थे? नहीं, वो काने में हम अपने से उतार के दे लिया, सिकड़ी अपने से खोल के उतार। ऐसा क्या कर दिया आप अपने से उतार के देने लगे? कुछ मंत्र वंत्र पढ़े थे क्या किए थे? कुछ हमें रुमाल और डायरी दिखाते, हम अपने आप के मार मुँह में बंद करके पुलिस का गाड़ी भी खड़ा डाल बोल देना। कितने लोग थे? 2 लोग। अभी देखेंगे पहचान जाएंगे? हाँ, तुरंत पहचान जाए।